टीचर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चा ताकि गलत रास्ते पे ना जाए, बच्चा ताकि मतलब एक अच्छे रास्ते पे जाए, कोई नशा नहीं करे, उसको अच्छी एडवाइस देनी है कि अगर कहीं भी फील्ड पे हो जाए, किसी भी फील्ड पे जाए, रेसलिंग पे जाए, पूरी दुनिया विच मशहूर WWE रैसलर दा ग्रेट खली अज अगर किसी मुकाम ते है ता उसका सिरा वो अपने गुरु पंजाब पुलिस दे पूर्व DGP महल सिंह भुल्लर नूं देंदे हन। अज अंतरराष्ट्रीय अध्यापक दिवस है। इस मौके ते दा ग्रेट खली उन्हां दिनां नूं याद करदे होए अपने गुरु नूं याद कर रहे हन। उन्हां दे मुताबक जदों दलीप सिंह राणा सी तां किसी गुरु ने उन्हां नूं दुनिया दे सामने लियांदा अते अज पूरी दुनिया उन्हां नूं दा ग्रेट खली दे नाम तों जाणदी है। ग्रेट खली अजकल जलंधर विच CWE कंटीनेंटल रैसलर एंटरटेनमेंट के नाम तो एक अकैडमी चला रहे हैं जिस तो काफ़ी संख्या विच रैसलर उन्हां तो सिक्ख्या प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने दसिया कि गुरु शीशे का एक रिश्ता हुंदा है जो माँ बाप तो भी वध के हुंदा है। जलंधर तो संजीव कुमार की रिपोर्ट, डेली न्यूज़ पंजाबी। मेरा सफर आपको सब लोगों को पता है कि भी जो मेरे जो आइडल और एक स्पोर्टर जिन्होंने मतलब मेरे को पंजाब पुलिस पे जॉब दी वो है MS भुल्लर। और जैसे बोलते हैं कि निस्वार्थ से उन्होंने मेरे को एक सपोर्ट करी है। और 94 में मैं पंजाब पे जब आया था तो मेरे को पंजाब पुलिस पे भर्ती किया था MS भुल्लर ने। उस टाइम वो MS भुल्लर IG थे और वो DGP रिटायर्ड हुए। सो उन्हीं के कारण में मतलब ऐसे उन्होंने ही मेरे को सिखाया कि भी आप स्पोर्ट्स करो। और जैसे बोलते हैं कि स्पोर्ट्स की ABC वक्त तो रास्ते बनते रहते हैं, आगे आगे कौन मिलते हैं कौन नहीं। लेकिन जो मेरे जो एक उस्ताद बोले, एक आइडल बोले, जो मेरे ऑफिसर थे, जो उन्होंने मेरे को बताया कि भी आपने शॉर्ट पुट फेंकना है और इस देश का नाम रोशन करना है। लेकिन मेरे किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था दोस्त, मेरे किस्मत में लिखा हुआ था कि भी एज ए रेसलर बनना। सो शॉर्ट पुट फेंका मैंने, बहुत अच्छा मतलब एक शॉर्ट पुट भी था मैं। लेकिन मैंने उसके बाद बॉडी बिल्डिंग करी। बॉडी बिल्डिंग जो अपने जो डॉक्टर स्थिर थे उनके वहाँ बॉडी बिल्डिंग करी और उसके बाद मैं WWE में गया। तो जब WWE में गया तो उसके बाद मेरा सारा कुछ चेंज हुआ है। अगर यहाँ पंजाब पुलिस पे रहता तो एक नॉर्मल लाइफ जो एक आम पुलिस वाले की होती है और एक नॉर्मल स्पोर्ट्समैन। तो लेकिन जब मैं WWE में गया तो वहाँ से मेरे को बहुत सारे रास्ते खुले। और जैसे मूवी करी मैंने, कुछ हॉलीवुड की मूवी करी, बॉलीवुड की मूवी करी, बॉलीवुड के टीवी शो करे, हॉलीवुड के टीवी शो करे, और रेसलिंग तो आप लोगों ने देखी है। सो अगर मैं आप एक गुरु मानता हूँ, टीचर मानता हूँ, तो मैं मानता हूँ MS भुल्लर को। अच्छा, आप भुल्लर जी को अपना आइडल मानते हैं और आप भी खुद अभी टीचर हैं, तो कितने स्टूडेंट्स आपके पास हैं और क्या-क्या प्रेरणा दे रहे हो आप? बिल्कुल, मैं एक मेरे पास इस टाइम में हुए कि मेरे पास 30-35 स्टूडेंट है जो इस टाइम है प्रेजेंट है। और यूज टू मेरे पास जब ये कोरोना नहीं था उस टाइम मेरे पास स्टूडेंट थे कोई अराउंड 400 स्टूडेंट थे मेरे पास जो ट्रेनिंग लेते थे। तो अभी कोरोना करके जैसे घर गए हैं तो उनको किसी की ट्रेन नहीं मिल रही, बस नहीं मिल रही, तो अपने अपने घर पे मतलब स्टक हुए अपने अपने स्टेट पे। सो बहुत जल्दी मतलब जैसे ये खुलेगा और सारे स्टूडेंट वापस आएंगे। और एक जो टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर हिस्से देखना होता है।
कला रेसलिंग नहीं सिखानी, मतलब और भी देखना होता है कि भी बच्चा था कि गलत रास्ते पे ना जाए, बच्चा था कि मतलब एक अच्छे रास्ते पे जाए, कोई नशा नहीं करे, उसको अच्छी एडवाइस देनी है कि अगर कहीं भी फील्ड पे वो जाए, किसी भी फील्ड पे जाए, रेसलिंग पे जाए, फिल्म पे जाए, चाहे टीवी शो करे, कुछ भी करे, बिजनेस करे, लेकिन मतलब हम उनको सिखाते कि भी कितना जो अच्छा है अगर आप लोग डेडिकेटर रहते, आप लोग अपना जो बिजनेस कोई फील्ड में जाते हैं उस पर टाइम के पाबंद होने चाहिए, टाइम के बिल्कुल पंचल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोला कुछ करा कुछ। जो जो हम उनको सिखाते हैं कि भी एक डिफरेंट डिफरेंट एक उनको एक एजुकेशन देते हैं कि जो रियल लाइफ में क्या है, कि भाई रियल लाइफ में ये है कि आप लोगों ने टाइम का पंचल होना चाहिए, चाहे आप जिम जाना है, चाहे आपने रेसलिंग करनी है, चाहे आपने फिल्म बनानी है, चाहे कुछ भी करनी है, ऑनेस्टली रहना चाहिए, तभी आप अपने फील्ड पे आगे बढ़ सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है ऐसे, जैसे अभी मैं जीतू बोलूंगा, जीतू है, दिनेश है, और जो मेरे WWE में गए है, शंकी है, सुखी है, लक्ष्मी है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब टाइमिंग के पंचल, मतलब एक टाइम के मतलब पाबंद है, और जो अच्छे एक लिसनर है, तो एक एक मन करता है, जो कोई अच्छा कोई अच्छा लिसनर होता है, एक मन करता है कि उसको मैं और सिखाऊं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे पास 300-400 बच्चा है, तो उनमें से बहुत सारे बच्चे, मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि भी वो कोई बुरा बुरा है, वो गलत है, पर ये कि किसी को थोड़ी जल्दी समझ आती है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। सो मैं तो ये बताऊँगा सारे बच्चों को कि भी ऑनेस्टली रहना है, हार्ड वर्कआउट करना है, हार्ड वर्क करना है, किसी भी फील्ड पे रहना है, और अपने से बड़े बड़े की रिस्पेक्ट करनी है, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी है, अपने कोचों की रिस्पेक्ट करनी है, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी है, तभी आप आगे बढ़ेंगे, मतलब अपने फील्ड में।